गुड मॉर्निंग हिमाचल, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। दिस मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल कंडाघाट। गोहर कांडा सड़क पर जीप दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौके पर मौत, एक गंभीर घायल। प्लॉट से वंचित 245 भाखड़ा विस्थापितों का इंतजार जल्द होगा खत्म। राणा क्रिकेट कप में जीतने वाली टीम को मिलेगा 5 लाख का इनाम। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के लिए प्रस्थान करने लगे देवता। और अब खबरें विस्तार से। गोहरकांडा सड़क में सोमवार रात एक जीप के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जीप मालिक को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए सिविल अस्पताल गोहर पहुंचाया गया। अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल नेरचौक रेफर कर दिया है। थाना प्रभारी गोहर इंस्पेक्टर अश्विनी शर्मा ने खबर की पुष्टि की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीवान चंद निवासी गांव चांदपुर सोमवार रात रोशन लाल गांव सिवाधार के साथ गोहर से अपने घर जीप से वापस जा रहे थे। इसी बीच करीब 9:30 बजे टायर खुलने से जीप अनियंत्रित हो गई और करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिससे रोशन लाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जीप मालिक दीवान चंद गंभीर रूप से घायल हो गया है। SHO अश्विनी शर्मा ने कहा, पुलिस ने सूचना मिलते ही घटनास्थल पहुंचकर नियमानुसार कार्यवाही शुरू कर दी है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए गोहर से रमेश शर्मा की रिपोर्ट। बिलासपुर में प्लॉट से वंचित 245 भाखड़ा विस्थापितों का इंतजार अब जल्द खत्म होगा। जिला प्रशासन ने कोठीपुरा में निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के समीप चंगर प्लांसी में खाली पड़ी 256 बीघा सरकारी जमीन को विस्थापितों के बसाव के लिए चिन्हित किया है। ADC की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने बाकायदा स्पॉट विजिट कर रिपोर्ट उपायुक्त को प्रेषित की है, जिसके तहत PWD के माध्यम से एक सर्वेक्षण करवाया जाएगा और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बारे में उपायुक्त पंकज राय ने बताया, इस योजना पर काम शुरू हुआ है और एम्स के समीप चंगर प्लांसी में खाली पड़ी सरकारी जमीन को विस्थापितों से बसाव के लिए चिन्हित किया गया है। बिलासपुर में जो लैंड हाउसिस को लैंड अलॉट हुई है, उसमें से कुछ लोग छूट गए हैं। लगभग 250 के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको अभी प्लॉट अलॉटमेंट नहीं हुई है। तो ADC और बाकी जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने साइट पर विजिट किया था। एक लैंड हमने अबाउट 256 बीघा के आसपास आइडेंटिफाई किया चंगर प्लासिया में। उसमें एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई थी। अब एक रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी कि वहाँ पे जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं उसको किस तरह से हम अवेलेबल कर सकते हैं। जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बाद उसमें हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे और हम सरकार को से भी लिखेंगे, सरकार को भी लिखेंगे और BBMB से वार्ता करेंगे। जोगिंदरनगर में युवाओं को नशे से दूर रखने तथा खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए जोगिंदरनगर में राणा क्रिकेट कप 2022 का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विजयी टीम को 5 लाख तथा रनर अप को 2.5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। राणा ने कहा, इस क्रिकेट टूर्नामेंट में केवल प्रदेश के खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे। इसके कुछ मैच मंडी तथा धर्मशाला में खिलाने का प्रयास रहेगा। इसके साथ ही ये मैच जोगिंदरनगर, डोहक तथा चौंतड़ा में भी आयोजित होंगे। राणा ने कहा, इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए 12 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, जो इसकी सारी रूपरेखा निर्धारित करेगी। जो टीमें इसमें भाग लेना चाहती हों, उसे 10,000 की एंट्री फीस के साथ सभी खिलाड़ियों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी जमा करवानी होगी। महिला दिवस पर इस टूर्नामेंट का शुभारंभ होगा। प्रदेश के एजुकेशन हब का दर्जा प्राप्त करने वाले जिला सोलन के कंडाघाट में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल उत्तरी भारत का एकमात्र ऐसा स्कूल है जिसमें बच्चों को विश्व स्तरीय सुविधा दी जा रही है। ये स्कूल कंडाघाट से चायल को जाने वाले मार्ग पर 3 किलोमीटर आगे स्थित है। इस स्कूल में रोबोटिक लैब, डिजिटल अध्यापन के लिए iPad, स्मार्ट क्लासरूम,
विश्व स्तरीय लाइब्रेरी, विदेशी भाषाओं की जानकारी सहित सुदृढ़ आधारभूत ढांचे के साथ सभी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए खेल मैदान, घुड़सवारी, स्विमिंग पूल व अन्य सुविधा भी उपलब्ध है। और तो और इस स्कूल में IGCSE प्रोग्राम की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके तहत विद्यार्थी सीधे विदेशी विश्वविद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं। इस स्कूल में बच्चों को आवासीय सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9882040097 या 7559640097 पर। छोटी काशी मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के लिए देवी देवताओं को प्रशासन द्वारा निमंत्रण पत्र भेज दिए गए हैं और अब निमंत्रण मिलने के बाद देवी देवताओं ने महाशिवरात्रि पर्व के लिए प्रस्थान करना शुरू कर दिया है। दरंग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली चौहार क्षेत्र के प्रमुख देवता देव हुरंग नारायण पिछले कल अपने मूल स्थान से शिवरात्रि महोत्सव के लिए चल पड़े हैं और आज उनके वजीर देव पाशाकोट भी अपने मूल स्थान से शिवरात्रि महोत्सव के लिए चल पड़ेंगे। देव हुरंग नारायण के गुर राजू राम ने बताया कि चौहार घाटी के 7 देवता हैं जो एक साथ शिवरात्रि महोत्सव में मंडी पहुंचते हैं और जलेब में भी सभी देवता एक साथ चलते हैं। श्री देव हुरंग नारायण चौहार घाटी में राजू राम गौर आज देवता मंडी शिवरात्रि के लिए मंदिर से रवाना हुआ और विक्टोरिया पोहर के पास प्रशासन और देव समिति स्वागत करने के लिए आते हैं और उसके बाद मादुराई श्री देव हुरंग नारायण हाजिरी देता है। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।